शांति। आज की तारीख है 2/2/14 और आज फिर से रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 3/4/97 यानी 97 की ये मुरली है और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। फिर से पढ़ रही हूँ, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। बाप दादा कह रहे हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन, चारों ओर के विश्व के जो पिता है उसके लव में लवलीन और लकी भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है, हमारे भाग्य पर स्वयं भगवान भी नाज करते हैं कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में चाहे धर्म नेताओं के रूप में चाहे महात्माओं के रूप में चाहे पदम पति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। स्वाभाविक है कि हर पिता को अपने बच्चे के ऊंचे ते ऊंचे भाग्य को देखकर खुशी होती है, तो बेहद के पिता परम पिता शिव बाबा को भी हम बच्चों के ऊंचे भाग्य को देखकर खुशी होती है, क्योंकि सारे कल्प में न देवताओं का ऐसा भाग्य है न धर्म पिताओं का ऐसा भाग्य है और न ही महान आत्माओं का ऐसा भाग्य है और न ही बाबा कहते हैं धनपति या कुबेरपति उनका भी ऐसा भाग्य नहीं है। तो किसी का भी ऐसा भाग्य नहीं जैसा भाग्य प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा के बने हुए बच्चों के ऊंचे ते ऊंचे भाग्य हैं। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। यदि हमें अपना ऊंचा भाग्य याद रहे और ऊंचा भाग्य है मेरा ये हमने स्वीकार किया या हम ये महसूस करें, तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से फिर क्या होगा, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता वाह बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। तो बाबा कहते क्या करोगे, फिर अंदर ही अंदर अनहद नाद जैसे चलता रहेगा और भाग्य विधाता के भी गुण गाएंगे गीत गाएंगे कि वह भाग्य विधाता बाप जिसने मेरा भाग्य बनाया और वह मेरा ऊंचे ते ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य। तो ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता ही रहता है। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं ये गीत सदा अंदर में बजता रहता है और बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं ना। हाँ, मैं आप हम सभी बच्चे अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं ना। लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। लेकिन बाबा का एक उलहना है,
बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो, बीच बीच में अपने इस ऊंचे ते ऊंचे भाग्य को मर्ज कर देते हो, अर्थात थोड़े समय के लिए विस्मृत हो जाते हो, भूल जाते हो, और फिर वापस बाबा याद दिलाते या मुरली याद दिलाती या योग में बैठते तो याद आता या फिर किसी को ज्ञान सुनाते तो दान करते करते याद आता। तो जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे। हाँ, फिर बाबा जब देखते हैं तो बाबा और क्या कहे हम बच्चों को, तो बाबा फिर कहते हैं, मन में सोचते हैं ड्रामा, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बच्चे मर्ज कर दे, बाबा चाहते हैं बच्चों की स्मृति में सदा इमर्ज रहे। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं, आप भी सभी यही चाहते हैं, लेकिन लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सभी बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है, सिर्फ स्वयं का भाग्य जगाना नहीं है, लेकिन हमें तो मास्टर भाग्य विधाता बाप समान बनना ही है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं इसी लक्ष्य को सदा याद रखते हुए अपने भाग्य को सराहना करते हुए बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते रहो, बहुत अच्छा है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, हाँ बाप दादा की स्मृति में लवलीन आत्माएं, सर्व बाप की सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, अपने शुभ चिंतन की शक्तियों से, बाबा ने हमें शुभ चिंतन करना सिखलाया है, तो अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली, मास्टर मुक्तिदाता भी बाबा ने बनाया है, तो चिंता वाली आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। देखो मणि, बाबा कहते हैं मेरे मस्तक मणि, तो शुभ चिंतक मणि भव। तो अपने शुभ चिंतक की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है, हाँ सभी ने सभी के मस्तक पर चिंतामणि है, उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति की मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। जब शुभ चिंतन करते हैं हम बच्चे तो हमारे शुभ चिंतक शुभ चिंतन की मणि के द्वारा विश्व में चारों ओर उसकी रोशनी फैलती है, सभी को सकाश मिलती है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट, इसीलिए कोई कोई आत्माओं को अनुभव भी आता है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर
पहुंच ही जाएंगे। स्लोगन है आज का, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। यदि हमको घर बैठे दूर बैठे बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर हमको टच होवे या क्लियर हम कैच कर सके, इसके लिए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अपनी बुद्धि की लाइन अर्थात योग युक्त स्थिति लाइन क्लियर रखो। ओम शांति।